हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शेयर मार्केट रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपके पास में इस कंपनी का स्टॉक है या फिर नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप 32,291 करोड़ रुपीस का है। कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस है ये 49.95 रुपीज़ है, और कंपनी का जो 52 वीक का हाई था ये 51.90 रुपीज़ था। अब दोस्तों, हम कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 86.46% की है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की शेयर होल्डिंग कंपनी में 4.3% की है। रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग कंपनी में 8.37% की है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी का पीई रेशियो 9.62 का है, जबकि इस सेक्टर का जो पीई रेशियो है वो 13.15 का है। कंपनी का पीबी रेशियो 2.07 का है। कंपनी का आरओई 19.68% का है। कंपनी का आरओसीई 18.40% का है, और ये कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड 2.58% का है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0.76 है। अब दोस्तों, हम कंपनी में प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपनी की ईयर वाइज प्रॉफिट और लॉस की रिपोर्ट देखेंगे। तो 2023 में कंपनी ने 2,605 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था, जबकि 2022 में कंपनी ने 1,553 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। यानी कि 2022 की तुलना में 2023 के अंदर कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर दोस्तों आप इस कंपनी की रिपोर्ट को पिछले 5 साल से देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि पिछले 5 साल से लगातार कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है। अब दोस्तों, हम कंपनी की क्वार्टर वाइज रिपोर्ट देख लेते हैं। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने 1,038 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जबकि दिसंबर 2022 में कंपनी ने 777 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। और दोस्तों, यहां पर भी आप ग्राफ को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि हर क्वार्टर के अंदर कंपनी जो है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, जो कि कंपनी के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों, एक बार हम कंपनी की शेयर मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो 2004 से लेकर अभी तक इस कंपनी ने अपने निवेशकों को 16% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में कंपनी ने 241% का रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में कंपनी ने 56% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में भी कंपनी ने 56% का ही रिटर्न दिया है। पिछले 1 महीने के अंदर कंपनी ने अपने निवेशकों को 5% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 दिनों में कंपनी ने अपने निवेशकों को 10% का रिटर्न दिया है। आपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड से संबंधित आंकड़े अभी देखे हैं। आपने यहाँ पर ये देखा है कि इस कंपनी के अंदर हमें 3 तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी का जो पीवी रेशियो है ये भी अच्छी तरीके से मेंटेन है। कंपनी अपने निवेशकों को बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही है। इसके अलावा कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी है ये भी कंट्रोल में है, यानी कि कम है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ईयर वाइज भी और क्वार्टर वाइज भी कंपनी जो है धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो कंपनी है अपने निवेशकों को भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रही है। बाकी आप लोग किसी भी कंपनी में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा, और खुद भी एक बार डिटेल में अच्छे तरीके से रिसर्च और स्टडी जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम शेयर मार्केट रिपोर्ट है, अगर इसे YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी YouTube पे सब्सक्राइब करें, और साथ ही बगल में जो बेल का आइकन है इसको जरूर प्रेस करें। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नए वीडियो में। जब तक लिए टाटा, बाय बाय।